हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जीपैट 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, जीडीसी इज गोइंग टू हेल्प यू एट द एवरी लेवल। और यहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अगेन जीपैट 2022 प्रिपरेशंस एंड जीडीसी वीकली टेस्ट। जीडीसी वीकली टेस्ट रीस्टार्ट होने जा रहा है, और ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है? संडे 4th अप्रैल 2021। और क्या इसका सिलेबस होने वाला है, कैसे उसके बारे में तैयारी करेंगे, हर एक चीज को आपके साथ मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। अगर हम बात करते हैं इस संडे का, हमारा क्या है सिलेबस? प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज अंडर द फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से आपको दिया गया है प्री फॉर्मुलेशन। प्री फॉर्मुलेशन में आप क्या पढ़ते हैं? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ड्रग का नेचर क्या है, ड्रग की ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, या अगर हम बात करें उसका पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एमॉर्फस है, सॉलिड है, क्रिस्टल है, वो सारी चीजों के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स पढ़ना है। अगर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की रिलेटेड, तो आपको वहां पे अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी आपको क्या क्या देखना है, पीएच, पीकेए, फ्लो ऑफ पाउडर, ये सारी चीजों को आपको वहां पे स्टेबिलिटी स्टडीज, सॉल्युबिलिटी स्टडीज, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। तो अगर आप इसके लिए बुक की बात करें, लैकमैन, जी हां, प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ द इंडस्ट्रियल फार्मेसी, लैकमैन, लैकमैन बुक आप प्रेफर करो और लाइन टू लाइन उससे रीड आउट कर जाओ, सफिशियंट है, आपको उससे आगे कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। इसी में आपका सेकेंड टॉपिक जुड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बेसिक, बेसिक की बात करें तो यहां पे क्या है माइक्रोबायोलॉजी, या हमारे कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए, उन्होंने क्या क्या डिफरेंट रिसर्च किए, क्या क्या उन्होंने डिस्कवरीज की, कैसे उन्होंने कब क्या किया, उन सारी चीजों को रिलेटेड आपको यहां पे जरूर एक बार रीड आउट करना है। फर्दर बात करते हैं, यहां पे आपका मेजर टॉपिक आने वाला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, व्हाट इज द बैक्टीरिया, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, पीएच, डिफरेंट टाइप के आपको वहां पे क्लासिफिकेशन आपको बैक्टीरिया का पढ़ना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ, ग्रोथ कैसे होती है, वहां पे आपको एक्सपोनेंशियल लैग फेज क्या होता है, लॉग फेज क्या होता है, या स्टेशनरी डिक्लाइन फेज क्या होता है, हर एक चीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट फर्दर हम बात करते हैं कल्चर मीडिया, वो कौन कौन से कल्चर मीडिया होते हैं जहां पे बैक्टीरिया ग्रो किए जाते हैं, मींस ये सारी चीजों आपको पढ़ना है। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी के बुक के लिए बात करें तो बेस्ट आपके पास बुक होने वाली है, सिंपली आप प्रेफर करें, अगर आप कलजार बुक प्रेफर कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी तो आपको काफी हद तक चीजें आपके सत्यनारायण बुक से भी कवर हो जाएंगे, तो उनके थ्रू आप जा सकते हैं, या अगर माइक्रोबायोलॉजी बाय द एनके जैन सर, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए स्टैंडर्ड बुक मैंने आपको बताया, उनके थ्रू जरूर आप नोट्स बना के तैयारी करें। यहां पे आपको ये टेस्ट देना कब है, होगा कब, मैं इसके बारे में बात करूं। एक नया फीचर हम यहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डेफिनेटली मुझे ऐसा उम्मीद है आप सबको ये चीजें जरूर पसंद आएंगी। अगर हम बात करते हैं ये हमारा टेस्ट कब होने वाला है, ये हमारा टेस्ट होगा ऑन द 4th अप्रैल। कब होगा? 4th अप्रैल 2021 को ये एग्जाम होगा, और कब होगा? 5 to 6 PM फिक्स टाइम है, ये चेंज नहीं होगा। अगर आपने इस ड्यूरेशन में अटेम्प्ट नहीं किया तो ये टेस्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है 5 to 6 PM में ही अटेम्प्ट करना है, और ये आपका फर्स्ट टेस्ट, यहां से वीकली टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। एक नया फीचर हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ये टेस्ट आप दोगे कुछ गलतियां होंगी, कुछ कंफ्यूजन होंगे, कुछ क्वेश्चन से प्रॉब्लम होंगी, उन सारी चीजों को लेके नेक्स्ट डे, हर संडे को होने वाला है, नेक्स्ट डे मींस मंडे इवनिंग को 5th अप्रैल को 9 PM पे मैं आपके साथ यूट्यूब लाइव आके इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली ये आइडिया आपको पसंद आएगा, और जरूर आपके सारे क्वेरीज जो भी होंगे उनको जरूर हम यहां पे डिस्कस करेंगे और सारी चीजों को रिजॉल्व करेंगे। और अब आपको ये टेस्ट कैसे ज्वाइन होना है, क्या करना है इसके लिए, क्या इसके लिए कोई चार्जेस हैं, लेट मी क्लियर वन थिंग, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये वीकली टेस्ट पूरी तरह फ्री है और रहेगा, आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको प्ले स्टोर से जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वहां पे सिंपली जीडीसी क्लासेस,
जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जब डाउनलोड कर लोगे वहां पे आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप जब डाउनलोड कर लोगे ना तो नीचे साइड में प्रॉपर जो आपकी बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं वो आप कर दोगे, नेम मोबाइल नंबर सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद डाउन साइड में आपको वहां पे बैचेस का ऑप्शन मिलेगा, उस बैच में आप जब क्लिक करेंगे वहां पे प्लस का बटन आपको दिखेगा, प्लस बटन आपको दिखेगा, आप बैचेस में वहां पे जाओगे, जाने के बाद आपको वहां पे कोड मांगा जाएगा, आपको बैच कोड एंटर करना है जीडीसी क्विज, क्या ऐड करना है जीडीसी क्विज, आपको बैच कोड वहां पे एंटर करना है, और उसके बाद विद इन 24 आवर, विद इन 6 आवर के कोर्सेज कर रहे हैं उससे पहले आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा और आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जीपैट फार्मासिस्ट डीआई नाइपर किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली जीडीसी वीकली टेस्ट इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो विद दिस थैंक यू एवरीवन, जस्ट गो एंड ज्वाइन जीडीसी वीकली टेस्ट, थैंक यू सो मच।